गाइज, वेलकम बैक टू हिना चैनल। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत ही अच्छे हैं। गाइज, काफ़ी दिन हो गया वीडियो नहीं आ रहे होंगे, आप सोचे होंगे कि कहाँ गई हिना, कहाँ गई। सो मैं आपको बता दूँ कि मैंने आपको बताया था ना कि मेरे बड़े पापा जी एक्सपायर कर गए हैं। सो उस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। आज उनका देर भी हुआ है। सो आज काफ़ी सारे प्रोग्राम जो घर में करते हैं, जैसे मैंने सोचा कि मैं वैसे वीडियो नहीं बनाने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप लोग वेट कर रहे होंगे मेरे वीडियो का, तो मैंने आज जो थोड़ा बहुत हम लोग जो कर रहे थे वो मैंने शेयर किया आपके साथ। और गाइस, बहुत लोग आए थे, खाना वाना खा के अभी चले गए हैं। शाम के 5 बज चुके हैं अभी। और सुबह का जो मैंने थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड किया था, जैसे कि हमारा जो पूजा का हवन का था, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और जो खाना खाए थे थोड़ा बहुत, तो मैंने वो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया है, वो दिखा दूंगी। और ये मेरे चाचू जी हैं। सो हाय बोल दो चाचू। सो ये मेरे चाचू जी हैं और बस यही है अभी तो फिलहाल के लिए। और आगे हम लोग जो भी करेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना और अपने फैमिली के साथ शेयर भी कर लेना, ताकि मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो थोड़ा बहुत 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 ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो पाए। तो शेयर ज़रूर कर लेना यार। और काफ़ी दिन हो गए वीडियो बना रही हूँ, थोड़ा ग्रोथ कम है, बट ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इमीडिएट किसी का भी ग्रोथ होता है, तो खैर थोड़ा और मेहनत करेंगे हम लोग। सो या अभी तो यही है। और ये देखो, ये डेकोरेट किए थे, मतलब लोग आएंगे बैठेंगे और जो बारिश होगा तो फिर अब पानी होने नहीं पड़ेगा बोल के ये बना। और अभी तो पैक्ड हो रहे हैं आधी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर रात में नाम कीर्तन होगा, देख सकते हो ये। और काफ़ी चीज़ें बनी थी, जैसे कि माछो बना था, हमारे यहाँ पर माछो देते हैं, मतलब जो नॉनवेज देता है तो जो जैसे जिसके होता है, जैसे कोई नॉनवेज देता है कोई वेज बनाता है। सो हमारे यहाँ पर नॉनवेज बना था, नॉनवेज में मछली मोस्टली देते हैं, जो ये वाला जो तेलवी होता है। तो नॉनवेज में हमारा माछो हुआ था, खीर हुआ था, सब्जी हुआ था और पापड़ हुआ था, और काफ़ी चीज़ें हुई थी, वो मैं आपको वीडियो में दिखा दूँगी। मुझे अभी याद नहीं क्योंकि मैंने नहीं खाया है। वो बोलते हैं ना, जिसके घर में होता है उसको फिर खाने का मन नहीं करता, तो मैंने नहीं खाया। हाँ, मैंने खीर ज़रूर पिया, मैं खीर 2 ग्लास पीऊँ और आई थिंक मैं और 1 ग्लास पीऊँगी वो बाद में। तो खाना नहीं खाया मैंने, बस खीर आज पिया है। मैंने बोला चलो खीर खा लेती हूँ। सो नॉनवेज तो मैं नहीं खाती, तो मैंने सोचा चलो खीर खाया जाए, खीर मुझे बहुत पसंद है, तो खीर खाया। गाइज, मैं यहाँ पर ना वॉइस ओवर दे रही हूँ, क्योंकि मैंने सुबह रिकॉर्ड करने के लिए स्टार्ट तो किया था फ़ोन, बट मैंने सोचा कि बनाओ ना बनाओ, इस कन्फ्यूजन में मैंने कुछ बोला नहीं, लाइक मैंने जस्ट स्टार्ट किया था। और मैं अपना हेयर स्टाइल ठीक कर रही थी, ख़राब हो गया था, तो और ये आंटी जी चढ़ नहीं पा रही थी, तो मम्मी उनको छोड़ के आई चढ़ के, और दीदी यहीं सामने जो खड़ी थी। और यहीं पर हम लोग सोच ही रहे थे कि हम लोग स्टार्ट करें नहीं करें, मतलब मैं ब्लॉगिंग करूं नहीं करूं, मैं यही कन्फ्यूज़न में थी। उसके बाद हमारा हवन स्टार्ट हो गया था, और फिर हमारे घर में जो हवन हुआ ये उसका पूजा का थोड़ा सा क्लिप मैं डाल रही हूँ। ज़्यादा तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, ये थोड़ा सा ही किया था। और मेरे बड़े पापा का फोटो वहाँ पर है। दानवेंद्रो महासुरम तिनत्वायुर्मविपद्धामी रक्षवाह गाइज, अभी यहाँ पर ना सब मौली बनवाएंगे। सो ये है मेरी भांजी, ये दीपा भांजी है, ये मौली बनवाएगी, उसके बाद मैं बनवाऊँगी। और उसके बाद देखो यहाँ पर मैं मौली बनवा रही हूँ, इसके बाद मोनू दीदी बनवाएगी मौली, उसके बाद फिर मेरी और एक भांजी है जो दीपा भांजी की बहन, जो कि देखो साइड में बैठी हुई है, ये लिपि नाम है इसका, लिपि भांजी। सो ये बनवाएगी, उसके बाद फाइनली मेरी दीदी बनवा रही है। ये देखो मेरी दीदी भी यहाँ पर मौली बनवा ले रही है।
गाइज एक एक करके सब मौली बनवाएंगे, लेकिन देखो हर किसी का तो नहीं रिकॉर्ड कर सकती ना मैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए ज़्यादा नहीं दिखाया। उसके बाद देखो यहाँ पर खाना वाना खाने बैठ गए थे पूजा के बाद, सो उसके बाद देखो ये खाना वाना यहाँ पर खाए सब लोग, और काफ़ी दूर दूर से आए थे जहाँ हम लोग, मेरे दादाजी का जहाँ घर है था, मतलब वहाँ से भी आए थे बहुत सारे लोग। ये खाना उन्हें खाने के बाद ना हम लोगों के यहाँ पूजा होगा, तो वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो गाइज अभी मैं पूजा में ही बैठी हुई हूँ, देखो यहाँ पर हमारे पूजा हो रहा है, और थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको और पूरा ये वीडियो अपलोड कर लूँगी मैं। और रात के 12 बजे बोलते हैं जीव बोल के बुलाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि मतलब पता नहीं कैसे कैसे वो पुराने ज़माने में सोचते हैं या और ऐसे दरवाज़ा खटखटा के बोलते हैं कि जीव बुला रहे हैं, और फिर कोई ना कोई दाग ऐसे जैसे पैर का दाग या फिर कुछ भी दाग आता है तो उससे पता चलता है कि इनका जन्म कहाँ होगा क्या होगा, ऐसे बोलते हैं, ऐसे मानते हैं मतलब। तो ये होने वाला है, और आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।